नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और जनता का मूड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर हम जान रहे हैं जनता का मूड कि जनता ने वहां के विकास कार्यों को देखते हुए आगामी नवंबर में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर किस तरह का मूड बनाया है और वहां की जनता वहां के स्थानीय निकाय नगर पालिका, नगर निगम या फिर नगर परिषद के सभापति के कामकाज को किस तरह से देखती है। तो आज इस क्रम में हम पहुँचे हैं हनुमानगढ़ और जानते हैं यहाँ के नगर परिषद क्षेत्र की जनता का मूड। तो आइए चलते हैं। मैं सबसे पहले हनुमानगढ़ नगरवासियों की तरफ से फर्स्ट इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। रही बात काम कराने की, तो मेरे कार्यकाल के अंदर करीबन 150 करोड़ रुपए के काम हैं जो धरातल पे आए, जिनमें मुख्य काम जैसे राजवी पैलेस से बिश्नोई धर्मशाला तक जो हमने एक नया बाईपास निकाला था, ये बहुत बड़ा काम हुआ था क्योंकि शहर के अंदर घुटन थी, शहर में कहीं से कोई रास्ता नहीं था निकलने का, चाहे हैवी व्हीकल थे चाहे लाइट व्हीकल थे, इससे हज़ारों की संख्या के अंदर जो व्हीकल्स आए इधर से निकलने लगे। जो दूसरा सबसे बड़ा जो शहर टाउन शहर के अंदर सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या थी, तो सीवरेज वालों ने पाइपलाइन पहले डाल दी थी और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो उन्होंने नहीं डाला था। तो सबसे पहले हमने बैठते ही 2015 में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की नींव रखी और 2016 के अंत तक हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को अमृत योजना के तहत इसको पूरा किया था, जिसका कि राजस्थान में भी कहीं पे भी कोई प्रदर्शनी लगती है तो हमारे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का वो प्रदर्शन किया जाता है। इसके बाद भिन्न भिन्न वार्डों में सीसी रोडों का एक जाल बिछा दिया गया और हाउसिंग बोर्ड के जो मेन रोड थी बहुत बड़ी समस्या थी उसको भी हमने पूरा किया। इसके अलावा जो जंक्शन के अंदर तिलक सर्कल से बाईपास तक बहुत बड़ी समस्या थी इसको हमने पूरा किया और 150 करोड़ रुपए के भिन्न भिन्न वार्डों में हमने काम करवाए जो कि जनता धरातल पे हैं और इसका आकलन जनता ही बता सकती है कि हमने क्या किया है या क्या नहीं किया। गौशालाओं को हमने हर साल 1 करोड़ रुपये की करीब हमने इनको ग्रांट दी है, जो कि टाउन के अंदर एक एग्रो गौशाला चल रही है, एक फाटक की गौशाला चल रही है, जंक्शन के अंदर एक स्कूल जो बंद हो गया था वहाँ पे नंदीशाला चल रही है और उसके अलावा हमारी एक म्यूनसिपैलिटी की गौशाला है जो म्यूनसिपैलिटी के पास चल रही है। इसके अलावा भी हमने जो हमारे को इरिगेशन डिपार्टमेंट से करीबन 27 बीघा का समर्पण हुआ था उसके अंदर कुछ मकानात और वहाँ पे गोडाउन बने हुए थे उसको भी हमने गौशाला में कन्वर्ट कर दिए। आज के दिन करीब हम 2500 पशुओं को हम अपनी तरफ से फीडिंग करते हैं और उनका सहयोग कर रहे हैं और अभी 2 साल पहले नंदीशाला का है टाउन के अंदर उसका भी हमने लोकार्पण कर दिया है जो कि व्यवस्थित तरीके से करीबन 400 नंदियों को पाल रहे हैं। वो भाजपा के सभापति हैं और जो भी कोई आदमी अपनी पार्टी से उनको माननीय मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जी के वजह से वो आज सभापति की सीट पे बैठे हैं तो उनका तो कहना अपना धर्म है, लेकिन आज आप ये देख लो कि पिछले 8 महीने के अंदर अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद जब से आयुक्त शैलेंद्र जी गोदारा इस सीट पे आके बैठे हैं तब से लेके आज तक जो शहर की जो कच्ची बस्तियाँ थी उसके अंदर कहीं पर भी विकास इन 8 महीनों में हुआ है। उसके अलावा जो हनुमानगढ़ टाउन की जो मुख्य मार्ग हैं वो आपके सामने सारे के सारे टूटे हुए पड़े थे जो अभी वर्तमान में बन रहे हैं। यदि इन्होंने इतना 150 करोड़ का विकास कार्य करवाया था तो उस समय जो ये शहर के मुख्य मार्ग हैं जैसे कि अपने भगत सिंह चौक से लेकर बस स्टैंड की हालत आप अभी भी देख लीजिए, आप रेलवे स्टेशन वाली रोड के ऊपर जो उनका पाथ को डिवाइडर को सही करना था वो उनसे आज भी नहीं हुआ। उसके अलावा टाउन के अंदर ये लालन उपचंद चौक वाली जो रोड है वो अभी वर्तमान में बनी है 1 महीने पहले और जो ये हमारी नगर परिषद के आगे जो पानी भराव की ये समस्या थी ये रोड अभी बन रही है तो ये कार्य क्यों नहीं करवा पाए वो अपने उस शासनकाल में जिसकी वो बात करते हैं वो भाजपा शासन में। और ये जो कार्य हो रहे हैं बिल्कुल सभापति जी आज हमारे सभापति हैं तो उनकी कहीं ना कहीं भूमिका रहती है, फाइलों पर उनके सिग्नेचर होते हैं, लेकिन वो समय जब उनको अपने
अपनी बीजेपी के राज में अपने जो केंद्र से लेके नीचे तक उनका जब शासन था, जो करे उनको करना चाहिए था उसमें वो कर नहीं पाए और वो उन्होंने पूरी तरह दबाव की राजनीति की थी, उनके ऊपर दबाव रहता था हर समय मानसिक, और उन्होंने बिल्कुल मानसिक दबाव के अंदर उन्होंने कार्य किया, जिस कारण शहर के बहुत से ऐसे अच्छे कार्य थे जो वो कर ही नहीं पाए। देखिए सर, नंदीशालाएँ और गौशालाओं का जो ये प्रपोजल है ये बिल्कुल गवर्नमेंट लेवल से आता है, इसका सारा का सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट से है, और अपने नंदीशाला के अंदर और गौशाला के अंदर आप हनुमानगढ़ में 3-2 गौशालाएँ हैं बड़ी और एक नंदीशाला जो भी खुली है, ये टोटल की टोटल अपनी जो हनुमानगढ़ टाउन की दानमंडी और जंक्शन की दानमंडी का जो बाणिया वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, वो वर्ग इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, उन्हीं के पैसे से उन्हीं के सहयोग से ये गौशालाएँ चल रही हैं। आज आप दानमंडी के व्यापारी भाइयों से जो पैसा आ रहा है गौशालाओं के लिए और नंदीशाला के लिए और जो शहर का पैसा आ रहा है लोगों का, वो बंद कर दीजिए, इनको पता चल जाएगा कि नगर परिषद कौन सी नंदीशालाएँ और गौशालाएँ चला रही हैं। सफाई व्यवस्था की जहाँ तक बात है, इसमें कहीं ना कहीं मैं खुद ये मानता हूँ कि जो पब्लिक है ना सर, पब्लिक का भी कहीं ना कहीं सहयोग होना चाहिए। कुछ समय से कहीं ना कहीं सुधार हुआ है सफाई व्यवस्था में, जैसे अपने ऑटो टिपर लेके आए थे, लेकिन जो बड़े स्केल पे जो सुधार की गुंजाइश थी वो नहीं कर पाए, और जो ये कचरा निस्तारण का जो प्रोजेक्ट इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम से ये पेंडेंसी पड़ी थी, अभी इन्होंने नागौर की उस फर्म को भी दिया है कि वो मशीन लगा कर वो वहाँ पर उस कचरे का यहीं पर जो ये डंपिंग प्लांट इन्होंने बना रखा है उस जहाँ पर डंप करते हैं कचरा, वो भी आज तक इनसे हो नहीं पाया है। तो अब कचरे के मामले में ये ऑटो टिपर छोटे लेवल पे जो ई रिक्शा कचरे के लिए आते हैं उनको ये बड़े स्केल पे ख़रीद सकते थे, वो इन्होंने अभी तक ख़रीदे नहीं है, और इसकी वजह से कुछ हद तक अभी भी उसमें सुधार की गुंजाइश और हो सकती है। इस समय हमें टाउन बस स्टैंड पर और जान लेते हैं जनता का मूड कि पिछले 5 सालों में यहाँ के नगर परिषद ने, नगर परिषद सभापति ने कितना विकास कार्य करवाया। भाई साहब नाम क्या है? नाम मेरा अनिल सुथार। आप इधर ही रहते हैं? मैं पीलीबंगा का हूँ सर। अच्छा, पीलीबंगा, यहाँ पे आते रहते हैं आप ना? तो क्या लगता है पिछले 5 सालों के दौरान सड़क सफाई व्यवस्था या जो नगर परिषद के क्षेत्राधिकार में जो विकास कार्य होते हैं कितने हुए होंगे यहाँ? सर कुल मिला के काफ़ी अब सड़कों का थोड़ा सुधार हुआ है। हाँ। पहले तो कुछ भी नहीं था, अभी भी कुछ रोड बाकी है जहाँ पे खड्डे अभी भी है कुछ ज़्यादा। मतलब टाउन में हुआ है या इस जंक्शन की तरफ? टाउन जंक्शन दोनों जगह ही हुआ है, ज़्यादा जंक्शन में भी कुछ पड़े हैं, कुछ सड़कें बाकी अभी भी, जैसे टाउन में भी अभी जो किला रोड है वहाँ पे अभी वो रोड पूरी ख़राब हुई पड़ी है। अच्छा, एक चीज़ जो एक समस्या होती है कि पानी बढ़ने की सीवरेज लाइन की या चौराहों पे या सड़कों पे जो आवारा पशु है बैठने की, तो उसकी उसको क्या देखते हो, किस तरह से देखते हैं? सर सड़कों में पानी रही बात पानी की, तो बारिश के टाइम तो पूरी कोई लगभग सभी सड़कें हैं जो पानी से फुल होती है सर। और आवारा पशुओं की बात रही तो अभी बस स्टैंड में आप मिल जाएंगे अपने आवारा पशु, तो उनके भी कोई भी समस्या का हल नहीं है। क्या देखते हैं आप यहाँ के जो नगर परिषद सभापति हैं राजकुमार जी, उन्होंने काम करवाया कुछ? काम तो करवाया सर, काम अभी उनका ज़्यादा दिख नहीं रहा, काम करवाया जरूर है। और भी भाई लोगों से बात कर लेते हैं। भैया नाम क्या है आपका? देव कुमार जी। आप यहाँ पे टाउन में रहते हैं या जंक्शन टाउन में? कौन से वार्ड में होते हैं? वार्ड। तो क्या लगता है आपको पिछले 5 साल में कितना विकास कार्य करवाया हुआ, सड़क सफाई नाली? बहुत काम हुआ 5 साल में, बहुत काम हुआ। मतलब किस तरह का काम हुआ, कि सड़क का हुआ या सीवरेज का? नाली सीवरेज टोटल काम हुआ जी। ऐसा कौन सा काम है जो लगता है आपको कि इन 5 सालों में हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ? मेन काम नहीं है, सड़क के नाले होते हैं वो सब टोटल हुआ है काम। मतलब आपके हिसाब से जो यहाँ के नगर परिषद सभापति हैं राजकुमार जी, उन्होंने ठीक काम करा, संतुष्ट है आप? संतुष्ट है। अब जब ये इलेक्शन होंगे, अब एक चीज़ सरकार ने कह दी कि सब जो सदस्य नहीं है वार्ड पार्षद नहीं है वो अभी आपका नगरपति सभापति बन सकता है, ठीक है? मतलब एक हाइब्रिड सिस्टम लागू कर दिया कि जो ज़्यादा बड़ा होगा ज़्यादा पैसे वाला होगा वो बन जाएगा, बाद में चुनाव लड़ता रहेगा। तो ये सरकार का सिस्टम सही है या पार्षदों से चुनना था या सीधे मेयर को चुन लेना था? निश्चित सही था, पार्षदों से नहीं, पार्षदों सही नहीं, नहीं अब ये कर दे कि साहब वो पार्षद हो या ना हो, अब ये सिस्टम हो गया, आज ये सिस्टम हो गया कि पार्षद हो ना हो वो बन जाएगा फिर बाद में चुनाव लड़ता रहेगा। तो ऐसा नहीं लगता कि पैसे वाले ज़्यादा जोर जबरदस्ती से बन जाएंगे? वो तो पैसे वाले बनेंगे तो। दादा आप कैसे देखते हो इस चीज़? नाम क्या है आपका? मेरा नाम अंशु नागपाल है, हनुमानगढ़ से ही हूँ मैं।
कौन से वार्ड से? वार्ड नंबर 18 से। 18 से, तो दूसरे वार्डों की अपेक्षा आपके वार्ड में किस तरह का काम हुआ? हमारे वार्ड में तो बहुत अच्छा काम हुआ है, पर बाकी कई वार्डों में घूमते हैं तो कई वार्ड में काम नहीं भी हुआ कोई। जैसे यहाँ पे सिस्टम चलता ही रहता है, जो कांग्रेस के हैं बीजेपी के हैं, अगर बीजेपी का चेयरमैन है तो कांग्रेस के वार्ड में काम नहीं होता, कांग्रेस का चेयरमैन है तो बीजेपी के वार्ड में काम नहीं होता, इस तरह का झंझट चलता ही रहता है। बाकी सफाई के अंदर अभी भी हनुमानगढ़ पीछे है, बाकी काम में सबसे ज्यादा आगे है, सफाई के मामले में आज भी पीछे है। मुझे लगता है सड़कें वड़के ठीक है, बाकी सफाई में सड़कें ठीक है, पर सफाई के मामले में हनुमानगढ़ का भी आगे। डोर टू डोर कलेक्शन नहीं होता है, जैसे मोदी जी का तो नारा है स्वच्छ भारत, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता? डोर टू डोर कलेक्शन, बस सिर्फ एक फॉर्म भरने के लिए आते हैं कि स्वच्छ भारत चल रहा है जी अभियान, पर डोर टू डोर ऊपर वगैरह आते हैं कलेक्शन करने? नहीं, सुबह सुबह 7 बजे आते हैं, उसके बाद में कभी दिखते नहीं है, सफाई करने वाला दिखता नहीं है ऊपर, बस वो साइड में कोई पड़ा है कचरा पत्र में तो वो ले जाएगा, बाकी कोई। आवारा पशु की प्रॉब्लम क्योंकि सब जगह होती है, यहाँ है या नहीं? आवारा पशु की प्रॉब्लम आगे से कम हुई है, इस सरकार में आगे से कम हुई है, पहले बहुत ज्यादा थी, आवारा पशुओं में बहुत कंट्रोल हो गया। और ये पानी भरने की नालियों के जो पानी भरने या आसपास नाले तो अब सारे नए बना दिए, चार सालों में तो बहुत। एक और भाई साहब, ये मुझे लगता है बाहर गए हैं, क्या नाम क्या है आप? मैं यहाँ गई हूँ भाई साहब। अच्छा, यहाँ गई है, कौन से वार्ड गए? वार्ड नंबर 15 बस स्टैंड के पीछे वाले। बस वार्ड, तो ये कह रहे हैं कि सब बस स्टैंड के आसपास जानवरों की बड़ी समस्या है, आपके यहाँ पे भी होता है? हाँ सर, प्रॉपर है। अब क्या कितनी प्रॉब्लम होती है उनसे आपको? प्रॉब्लम होती है जैसे गांवों के लोग हैं वो यहाँ शहर में आके छोड़ जाते हैं, तो यहाँ नगर परिषद ध्यान नहीं देती, जो गौशाला वाले हैं वो गौशाला वाले भी निकाल देते हैं, अगर कोई वहाँ दे के जैसे अपने रसीद कटा के भी आते हैं, छोड़ के भी आते हैं, उनको 2 दिन रखते हैं, तीसरे दिन वो फिर बाहर निकाल देते हैं। राजकुमार जी तो कह रहे थे कि ना हमने पूरी समस्या खत्म कर दी इस चीज़ की। सर, हर काम के अंदर पॉलिटिक्स होती है, मैं किसी का पर्सनल नाम नहीं लेता। नहीं, नाम नहीं, मतलब अपन तो काम देख रहे हैं, काम बता रहे हैं, अगर घूम रही है तो उसको, अगर साफ सफाई है तो हम ये तो कह नहीं सकते गंदगी है, जो कैमरा तो सच बता। तो बढ़िया सुधार हुआ है, लेकिन ये नहीं है कि हाँ पूरा पूर्णतः प्रतिबंध हो चुका है, पूर्णतः प्रतिबंध अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, ये कागजों में हो चुका होगा जो हो गया है, लेकिन ये है 100 में से 60% तक कवर हुआ है, इतना नहीं हो पाया। सब कुछ तो काम हुआ है, चलो 60% वाला तो फर्स्ट डिवीजन पास हो जाता है। फर्स्ट डिवीजन पास हो जाता है, लेकिन जनता किस किस को संतुष्ट करोगे, कभी जनता संतुष्ट नहीं हो पाएगी। बाबू जी से बात करते, बाबू जी नाम क्या है आपका? मेरा नाम नारायण राम शर्मा है साहब। अच्छा शर्मा जी, आप कितने संतुष्ट हैं कामकाज से, और ऐसा कौन सा काम था जो लगता है, क्योंकि आप बहुत अनुभव वाले हैं, बहुत सारे बोर्ड देखे होंगे आप। मैं सारे काम से खुश हूँ, एक काम से नाराज हूँ मोदी जी से, ये इससे हनुमानगढ़ का गंगानगर का मच्छर नहीं मरता। अच्छा नहीं। अच्छा बाबू जी, एक और चीज हुई है कि पहले तो ये था कि साहब डायरेक्ट होगा चुनाव, मेयर आपका सभापति सीधा चुना जाएगा, अब वो नहीं हुआ, पार्षद चुनेंगे। अब एक और चीज हो गई कि पार्षदों में से भी, जरूरी नहीं है पार्षदों में से चुना जाए, कोई बड़ा व्यक्ति है, नामधारी है, पैसे वाला है, वो ऊपर से सभापति बना दिया जाएगा, फिर बाद में चुनाव लड़ेगा तो लड़ लेगा, तो इस प्रणाली को सही मानते हो क्या आप? ना, मैं सही नहीं मानता हूँ। और लोगों से यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ लोगों से बात कर लेते हैं, भाई हैं, भैया नाम क्या है आपका? संदीप बंसल। संदीप भाई, आप इधर ही रहते हैं हनुमानगढ़? यस सर। कौन से वार्ड में रहते हैं? वार्ड नंबर 21। 21 में हम थोड़ा सा जानना चाह रहे थे कि पिछले 5 सालों में जो नगर परिषद के क्षेत्राधिकार के काम होते हैं उसमें कितना काम हुआ है डेवलपमेंट के हिसाब से? बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किया हनुमानगढ़ शहर में, खूब सड़कें बनी हैं, काम अच्छा हुआ है, सब कुछ अच्छा हुआ है। तो क्या नहीं हुआ, ऐसी किसी चीज़ की जरूरत थी जो हो सकती थी? इसके बारे में अभी तो कुछ नहीं कह सकते। मतलब जैसे आवारा पशुओं की समस्या अभी है या हल हो गई? आवारा पशुओं की समस्या अभी भी बहुत ज़्यादा बनी हुई है, इससे एक दो मौतें भी हुई है, जिसके लिए सभापति जी को, नगर परिषद को अवगत भी कराया गया था, लेकिन उस पर अभी फिलहाल काम नहीं हुआ। अच्छा, जो नालियों का भराव की जो प्रॉब्लम थी पानी का, बारिश आने के बाद जो बढ़ जाता है, वो समस्या है या उसका निदान? नहीं, वो समस्या बहुत ज़्यादा सफल हुए हैं उस काम में, नालियों की समस्याओं से सड़कें खूब बनी हैं हनुमानगढ़ में, और स्वच्छता में भी बहुत अच्छा काम हुआ है। एक भाई साहब हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजकुमार सैनी। सैनी साहब, आपको क्या लगता है, आप यहाँ के रहने वाले हैं? कौन से वार्ड के? 20 नंबर वार्ड के। 20 नंबर वार्ड के। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ जो विकास कार्य 5 साल में आपके नगर परिषद ने या नगर परिषद सभापति ने करवाया, कितना करवाया हो? बहुत करा है सर, बहुत करा। आज तक किसी सभापति ने नहीं करा जितना राजकुमार जी ने करवाया है। हमारे 20 नंबर वार्ड में प्रत्येक गली, प्रत्येक सड़क और हर जगह ट्यूबलाइटें अनाप शनाप लगवाई है, खूब विकास कराया था आपके। मतलब कोई दिक्कत नहीं? नहीं, नहीं, ऐसा ही होना चाहिए सभापति तो। अच्छा। अगर परमात्मा कभी करे तो इन्हीं कोई बापी सभापति बनाए हनुमानगढ़ का। तो और भाई हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं कि भैया नाम क्या है, युवा हैं, क्या नाम है आप? ईशुकांत शर्मा। आप शर्मा जी इधर के ही हैं? हाँ जी।
कि कहीं बाहर से आए हुए हैं इधर? नहीं, लोकल लोकल। कौन से वार्ड के हैं? सेक्टर नंबर 3 है सर। सेक्टर नंबर 3 है, तो वहाँ पे कैसा हुआ हो? क्योंकि जब जो बाहरी चीज़ें होते हैं सेक्टर होते हैं, वहाँ जनरली नगर परिषद ज़्यादा ध्यान देती नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बढ़िया विकास हुआ है। क्या क्या हुआ है आपके यहाँ रोड वगैरह का? हमारे सारी रोडें पक्की हो गई, बिजली की सही हो गया। बिजली का पहले ख़राब हो जाता था, फ़ोन कर करके आधे हो जाते, भी आओ आओ आओ, कोई सुनवाई नहीं थी। अब फ़ोन करते हैं हाथों हाथ बिजली वाले आ जाते हैं। साफ़ सफाई रहने लग गई, पहले वही नालियों में गंद था, अब हर हफ्ते वाले दिन साफ रहता है सब। तो ये मतलब किसका इनिशिएटिव माना जाए? नगर परिषद सभापति का माना जाए या आपके वार्ड पार्षद का माना जाए, किसका माना जाए? वो तो जो वार्ड पार्षद भी उसमें अच्छा है हमारा, और वो अगर वार्ड पार्षद भी ढीला होगा, अगर सभापति भी क्या कर लेंगे फिर, अगर सभापति वैसे होंगे तो नगर परिषद वो। और एक और भैया से बात कर लेते हैं इस एरिया में, फिर दूसरे एरिया में हम चलेंगे। भैया नाम क्या है आपका? अनिल सुधार सर नाम है। अनिल भाई, क्या लगता है आपको कि कितना विकास आप देखेंगे इस बोर्ड से पहले जो विकास था और इसमें कितना विकास, कितना अंतर मान? सर नुमांगड़ जंक्शन में देखें तो विकास कुछ भी नहीं है सर। नुमांगड़ जंक्शन जो मेन बस स्टैंड है उसके आगे जो मेन रोड है वो पुल से लेके और बस स्टैंड तक है जो बिल्कुल सर ख़राब है, बिल्कुल रोड चलने लायक भी नहीं है। रोज़ ट्रैफिक पूरी परेशान होती है। बस स्टैंड में अभी काम चल रहा था, उस वजह से लोग रोज़ एक दो एक्सीडेंट होते थे। तो सड़क कारण है या पशु कारण है? जैसे हमारा पशु गाय घूम रही है, तो ये ऐसा इस कारण है? तो नगर परिषद ने क्या किया फिर? सर सड़क टूटने का कारण तो ये था, पानी की निकासी नहीं थी। वहाँ पे बारिश आती है तो वहाँ पे सर 2-2 फीट पानी रोड पे जमा हो जाता है, पूरा बाजार पानी से लबालब हो जाता है। वो पानी की निकासी नहीं है तो व्हीकल चलते हैं, उसमें रोड टूट गई, रोड टूटने अभी तक कोई काम नहीं है उसका। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, लाइटिंग की और सफाई व्यवस्था के? लाइटिंग की सर हाँ व्यवस्था ठीक है, पर सफाई की बात ठीक है सफाई, पर वो रोड टूटने की वजह से सफाई भी क्या करेगी वहाँ पे? नहीं, डोर टू डोर कलेक्शन होता है गार्बेज का? नहीं सर, ज़्यादा लगभग 50% ही होता है। जनता का मूड जान रहे हैं और इन बाबूजी से बात कर लेते हैं। बाबूजी नाम क्या है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार ओझा। ओझा जी, क्या लगता है आपको पिछले 5 साल में यहाँ के जो नगर परिषद सभापति हैं या नगर परिषद हैं, कितना विकास कार्य कराया होगा? सफाई सड़क राजकुमार सारिया जी ने डोर बस हमारी तो अच्छा किया है, पर कुछ ऐसे है कि कुछ जरूरी काम है वो अधूरे पड़े हैं। जैसे नाले वगैरह है, बहुत गंदगी बहुत बड़ी है, और आज इतना पत्थर उठा देखो नाला इतना डूंगा है कि आदमी गिर जाए, आदमी की मौत हो सकती है। अच्छा, और ठीक है राय, अभी आप लोगों ने कहा नहीं, वो आके देखे नहीं गए? हम तो 2-4 बार गए, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, अपने चुपचाप बैठ गए। नाम क्या है आपका? रामगोपाल। रामगोपाल जी, पिछले 5 सालों में क्योंकि नगर पालिका के नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, अब जो भी मेयर हैं या सभापति हैं यहाँ के, वो जाके दावे करेंगे कि साहब मैंने अच्छा काम कराया, अच्छा भी कराया होगा, ये तो आप लोग ही बताएंगे। बढ़िया, तो 5 सालों का कितना काम हुआ है? 5 सालों में जी रोड्स वगैरह बहुत बढ़िया बन गए हैं, मानगढ़ की खूब उन्नति हुई है। दोनों की, केवल टाउन की हुई या स्टेशन? मैं टाउन की बात कर रहा हूँ, जंक्शन का मुझे बताइए। आप जाते तो होंगे ना जंक्शन की? जाते हैं, लेकिन टाउन की बहुत उन्नति हुई है। और जंक्शन की नहीं हुई इसका मतलब? नहीं, नहीं, जंक्शन की मैं श्योरली नहीं कह सकता आपको हुई। अच्छा, एक चीज़ बताइए, चले सड़कें तो ठीक है, फिर सफाई व्यवस्था, घर 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 जाके कलेक्शन है कचरे का? कचरे का कलेक्शन है, कचरे का कलेक्शन है। तो ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको लगता है कि ये 5 साल या पिछले 10 सालों में हो सकती थी, अभी तक नहीं हुई और हनुमानगढ़ की जरूरत है? तो वैसे तो जरूरतें तो हर टाइप की होती है, वो तो कोई इम्पॉसिबल है करना, लेकिन यहाँ का जो चेयरमैन है उसने बहुत ही बढ़िया जो है तरीके से 5 साल निभाए हैं। अच्छा, ये जैसे ये सामने कचरा भी आपके खुद ही पड़ी है सड़क? बन रही है जी रोड। अच्छा, बन रही है? बन रही है। और जो गाय वगैरह है रोड पे बैठी रहती है उसका बहुत ज़्यादा है जी, ये समस्या है, ये समस्या बहुत ज़्यादा है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, ये समस्या बहुत ज़्यादा। और ये पानी भरा होगी? पानी भरा होगी, अब लगभग 70% खत्म होगी। अच्छा, 70% खत्म होगी। इस समय हम हैं हनुमानगढ़ जंक्शन के राजू चौक में और बात कर लेते हैं कि पिछले 5 साल में यहाँ के नगर परिषद ने कितना विकास कार्य करवाया। भाई साहब नाम क्या है आपका? विजय। विजय भाई, आप इधर के रहने वाले हैं? मैं बाहर का हूँ, राय सिंह नगर से। यहाँ आते रहते हैं आप? हाँ बिल्कुल, अक्सर आते रहते हैं। तो कितना डेवलपमेंट आप पिछले 5 साल में देखते हैं? सब अभी तो मैं लगभग 2-3 महीने से आ रहा हूँ, मेरे को नॉलेज नहीं है इतना। नहीं, फिर भी जैसे सड़क, आप पिछली बार आए होंगे, साल भर पहले आए होंगे, तो सड़क है, सफाई, तो ये किस तरह से, ये आपके राय सिंह नगर से कंपेयर कर लीजिए? राइस नगर से तो ठीक हो रहा है, यहाँ पे काम अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है, मतलब ठीक ठाक डेवलपमेंट जिसको कहते हैं वो दिखता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और बात कर लेते हैं यहाँ पे। भाई जी नाम क्या है आपका? हरीश। हरीश भाई, आप इधर के ही हैं? हाँ इधर के। कौन से वार्ड के हैं आप? मैं हूँ 40 नंबर का। 40 नंबर के। तो पिछले 5 सालों में क्या लगता है आपको यहाँ की नगर परिषद ने या नगर परिषद सभापति ने कितनी रुचि ली होगी विकास कार्यों के? कुछ नहीं ली, वैसे दिख रहा है अभी तक तो। दिख रहा है क्या 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 मतलब क्या होना चाहिए? सड़कों का अभी तक विकास हुआ नहीं है, सड़कें तो वैसे ही पड़ी है। ये लोग उधर जब हम टाउन में थे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो हुआ है,
तो क्या टाउन में हुआ है और जंक्शन में नहीं हुआ? हुआ है लेकिन कोई कोई जगह हुआ है, कोई कोई पड़ा है, बना देते हैं वापस वैसी हो जाती है वो। अच्छा, पानी भराव की जो दिक्कत है वो है, बारिश का पानी भर जाता है? पानी तो भरता ही है, सड़कें भर जाती है सारी। अच्छा, रोड पे ये जानवर वानवर बैठने की समस्या वो तो नहीं थी? चलो एक और भाई जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हाँ भैया, आप यहाँ के ही हैं? हाँ, यहीं के। नाम क्या है आपका? सुरेंद्र है। सुरेंद्र भाई, आप कौन से वार्ड के हैं आप? मैं हूँ तो पास में, गांव है मेरा। अच्छा, पास में, मतलब आते तो रोजाना है ना? यहाँ के सारे डेवलपमेंट को देखा है? डेवलपमेंट तो ठीक ही है, अपने बस स्टैंड भी बनाए हैं, दोनों बस स्टैंड बने हैं, इधर पुल भी चल रहा है काम उसका। जैसे नगर परिषद का काम होता है, पानी, बिजली, सड़क, सफाई व्यवस्था, तो आपको लगता है वो हनुमानगढ़ टाउन में जंक्शन में है? सफाई तो ठीक ठाक ही है वैसे, वो बात तो है नहीं, अपने तो होनी चाहिए, जो जिस तरह का नारा देते हैं कि स्वच्छ भारत वैसी वो नहीं है, वो नहीं है। चलो, ये कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत जैसी तो नहीं है। एक और भाई साहब हैं, शायद यहाँ के ही लग रहे हैं। भैया एक चलता हूँ, आप इधर के? नहीं भैया, बाहर के हैं। कहाँ के हैं? जैसलमेर के। जैसलमेर के। अच्छा, जैसलमेर में सफाई व्यवस्था होती है कि नहीं? बहुत अच्छी है भाई साहब। और यहाँ पे दिख रही है? यहाँ पे ठीक है। जैसलमेर की अपेक्षा? जैसलमेर से अपेक्षा तो कुछ नहीं है, जैसलमेर का मुकाबला थोड़ी है यहाँ पे। नहीं है वहाँ? ऐसा क्या चीज़ है जैसलमेर? वहाँ साफ सफाई रहती है, ये कूड़ा कचरा पड़ा है ऐसे वहाँ कचरा नहीं रहता भाई साहब। पक्का आप जैसलमेर? जगह जगह कूड़ादान पड़े हैं वहाँ पे हमारे, वहाँ तो कूड़ादान पड़े हैं। और कूड़ा सड़क पे पड़ा है? नहीं, कूड़ा सड़क पे नहीं है, कूड़ा कूड़ादान में है। चलिए, कूड़ादान में और बात कर लेते हैं। भाई साहब एक चीज़ बताओ, आप तो ट्रैफिक व्यवस्था संभालते हो, यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था अब कुछ जो नया इम्प्लीमेंट हुआ उसके बाद कुछ सुधरी है, जो ट्रैफिक रूल लागू हुए हैं? ट्रैफिक नए रूल तो अपने यहाँ लागू ही नहीं हुए। मतलब अगर हो जाए तो फिर क्या लगता है आपको? हो जाए तो बहुत 90% सुधार होगा। 90%? अब जैसे मतलब हेलमेट नहीं लगाते हैं। हाँ। और हम रोकते हैं तो लोग विरोध भी करते हैं। नहीं, एक चीज़ है कि हनुमानगढ़ के लोग क्या नियमों का पालन करते हैं आमतौर पे? नहीं करते जी। नहीं करते। और ये आप तो यहाँ खड़े रहते हो, सफाई वफाई व्यवस्था, ये जो सड़कों पे खड़े रहते हैं ये आवारा पशु, उनकी क्या स्थिति है? खड़े रहते हैं? पशु तो है ही, आवारा पशु तो है ही, तो एक्सीडेंट भी हो जाते होंगे ना? एक्सीडेंट भी होते हैं पशुओं से, आवारा पशुओं से एक्सीडेंट भी होते हैं। एक्सीडेंट हो जाते हैं जैसा ये कह रहे हैं। तो वैसा नाम क्या है आपका? जोनी। जोनी भाई, काम क्या करते हैं आप? राजधानी ट्रेवल्स, शर्मा टूर एंड ट्रेवल्स। आप तो पूरी राजधानी चलाते हैं मतलब ना, तो क्या लगता है आप मौके पे हैं, सारी गाड़ियां भी इधर से निकलती होंगी, सड़कें भी आप घूमते होंगे, तो लोग ये कहते हैं कि टाउन में जंक्शन में लोग अंतर कर लेते हैं पॉलिटिशियन, क्यों करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो व्यवस्था कुछ भी नहीं, वो देखो सफाई है क्या वहाँ पर, वो देखो। हमें वही पूछ रहा हूँ कि सफाई है क्या, कहाँ है बताओ? आते हैं झाड़ू लेते हैं, डिजाइन मार के चले जाते हैं, क्या व्यवस्था है ये? वो सड़कों की क्या स्थिति? सड़कों की आपके सामने है, देखो ट्रैफिक चल रहा है। ठीक है, बस ट्रैफिक तो टूटी पे भी चलता है, चलता रहता है। बाकी जब तक पहले अनिल चिंदा जी TSI थे यहाँ पर, बहुत बढ़िया सुधार था, उनके जाने के बाद एकदम ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। तो क्या लगता है क्यों, मतलब इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की या क्या? क्या कह सकते हैं इस चीज़ में, सरकार खुद आप एक्शन ले, सरकार कमेटी बनाए, एक जाँच करे। कितने नंबर देंगे उनको 10 में से? 10 में सर 5 नंबर दूंगा उनको मैं। ये 5 नंबर दे रहे हैं कि राजकुमार जी के कामकाज को कितने नंबर देंगे 10 में से? 100 में 100 देंगे, 10 नहीं, आप 10 में से नहीं, 100 में से 100 देंगे। तो कितने नंबर देंगे राजकुमार जी को आपसे? राजकुमार जी को 9 नंबर दूंगा मैं। 9 नंबर? चलिए 9 नंबर देंगे। तो आपको ये कहें कि राजकुमार जी को आपको नंबर देने हैं 10 में से, तो कितने दोगे? यदि मैं इसमें दूंगा तो उनको 100 में से ज़्यादा नहीं तो 90 तो दूंगा ही मैं उनको। अच्छा, मतलब 10 में से 9 नंबर, 90% मार्क्स आते हैं। कितने नंबर दोगे राजकुमार जी? राजकुमार जी को 7 नंबर तो कम से कम मिलना चाहिए, मतलब 70% पे मार्क्स लग रहे हैं, संतुष्ट हैं। तो आप राजकुमार जी को कितने नंबर दोगे उनके कामकाज के लिए 5 साल के काम? उनको दूंगा सर 50% देता हूँ उनको मैं। ये 50% नंबर दे रहे हैं, यदि आपको कहा जाए कि आपको नंबर देने हैं राजकुमार जी को उनके काम के, कितने दोगे? राजकुमार जी को देंगे 8 नंबर। 8 नंबर दे देंगे। आज हम जान रहे थे हनुमानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र की जनता का मूड कि पिछले 5 साल के दौरान यहाँ की नगर परिषद और नगर परिषद सभापति ने किस तरह के विकास कार्य करवाए, और उन विकास कार्यों को देखते हुए यहाँ की जनता ने नवंबर में होने वाले चुनाव को लेकर क्या मूड बनाया है। हालांकि आमतौर पर अभी तक यह मूड सकारात्मक ही नज़र आया है, लेकिन यह जनता का मूड है, कभी कभार बदल भी जाता है। तो ये था आज इस एपिसोड में हनुमानगढ़ क्षेत्र की जनता का मूड। अगले एपिसोड में फिर किसी दूसरे क्षेत्र की जनता के मूड से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। We'll be right back.